Hello guys, I am Som. I welcome you in the Anglomania Spoken Classes. Once again, I'm here with a new video. So, आपको पता होगा कि हमने टेंसेस की सीरीज चला रखी है. तो टेंस की सीरीज में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस सीख लिए हैं. अब हम सीखने पढ़ाऊंगा आपको परफेक्ट टेंस. तो परफेक्ट टेंस नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, पूर्ण का मतलब कंप्लीट. तो जब आपको किसी भी चीज की कंप्लीट सेंस मिले तो वो हमारा होगा परफेक्ट टेंस. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द बोर्ड. तो ये हम परफेक्ट की बात कर लेते हैं एक बार. परफेक्ट नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि देखो, हम कई बार बोलते हैं कि यू आर लुकिंग परफेक्ट और ड्रेस कैसी है परफेक्ट. तो ये परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, मतलब कंप्लीट, अच्छा, बिल्कुल ठीक है. तो यहां पर जब आपको कंप्लीट की सेंस मिले तो वो हमारा हो जाएगा परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो परफेक्ट टेंस को हम कंप्लीट में समझेंगे और इसकी हम तीन पार्ट्स में से समझ लेते हैं. ठीक है, तो तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं परफेक्ट के भी. तीन पार्ट है, प्रेजेंट है एक, पास्ट और एक फ्यूचर. ठीक है, तो परफेक्ट कंप्लीट, कंप्लीट की पहचान होती है चुका. ठीक है, तो प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की पहचान था और फ्यूचर की होगा. तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि प्रेजेंट की पहचान क्या बनी, चुका है. क्या बनी, चुका है. पास्ट की पहचान क्या बनी, चुका था. और फ्यूचर की पहचान क्या बनी, चुका होगा. गॉट इट. तो ये इसकी मेन पहचान है, चुका है, चुका था और चुका होगा. ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और आइडेंटिफिकेशन चलती है. आ है, ई है, ए है. यहां क्या हो जाएगा, आ था, ई थी और ए थे. यहां हो जाएगा आ होगा, ई होगी, ए होंगे. गॉट इट. तो इनको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. वह जा चुका है. ठीक है, वह जा चुका था और वह जा चुका हो. ठीक है, तो आपको बताया कि ये प्रेजेंट में है तो चुका है, प्रेजेंट में है. तो प्रेजेंट के लिए आपको याद रखना है कि हैज है. पास्ट के लिए याद रखना हैड और फ्यूचर के लिए याद रखना आपको विल है. ठीक है, और ये जो परफेक्ट टेंस है इसकी एक कॉमन चीज है कि वर्ब थर्ड. जैसे आपने कंटीन्यूअस में सीखा था कि वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो हम यहां पर सीखेंगे वर्ब थर्ड. ठीक है, तो वह जा चुका है. अब आपको बताया कि रूल बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी हैज है और मेन वर्ब क्या हमारी वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट. इसमें भी सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. यहां क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा रोल हो जाएगा. ठीक है, एक एग्जांपल लिया था हमने, वह जा चुका है. तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब आपके इज, डज, वॉज और हैज जिनके लास्ट में क्या आता है, एस आता है, उनके लिए ही, शी, इट और एनी नेम. ये लाइन याद रखनी है कि जब हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम और इनमें से कोई ऑप्शन हो तो वही आएगा. तो देखो यहां पर हैज का ऑप्शन है, तो हैज का ऑप्शन है तो इसका मतलब हमें जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट में से आएगा तो हैज लगाएंगे. तो वह है, वह क्या बोलते हैं, ही के साथ हैज. वर्ब क्या है, जाना, जाना इंग्लिश में कहते हैं. गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन. ही हैज गोन. यहां समझ लेते हैं, वह जा चुका था तो ही हैड और वर्ब थर्ड क्या है, गोन. सो ही हैड गोन. वह जा चुका होगा तो ही विल हैव गोन, वह जा चुका होगा. ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसे पढ़ना है इसको कि वह जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा. कंपैरिजन मेथड से आप करोगे तो बहुत इजी लगेगा. जैसे कंटीन्यूअस को पढ़ते हो, रहा, वह जा रहा है, जा रहा था, जा रहा
होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इज एम आर, वाज वर और विल बी। इसी प्रकार से यहाँ पे चुका है, चुका था, चुका होगा, वह जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा। तो जा चुका है, हैज हैव, चुका था, हैड, और चुका होगा, विल हैव। गॉट इट? सो लेट्स हैव नेगेटिव फॉर्म। लेट्स हैव नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, हैज हैव था हमारा, तो हैज हैव के साथ नोट लगा देंगे, वह आज नहीं आया, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कंप्लीट सेंस मिल रही है कि आने का काम उसने आज नहीं किया, मतलब काम पूरा है, कंप्लीट है, कि वह आज नहीं आया है। जैसे आ रहा है होता तो हमारा वर्क था कंटिन्यू, लेकिन इसके अंदर क्या है, आया है, वह आज नहीं आया है। तो लास्ट में देखोगे कि आ है, क्या पहचान बनी हमारी, आ है। सो ही हैज नॉट कम टुडे, हैज के साथ हमने नॉट लगा दिया, वह कल वह स्कूल नहीं गया था। तो यहां पे आ था गया, तो ही के साथ क्या लगाना है, हैड, तो ही हैड नॉट, वर्ब क्या लगाने, थर्ड, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो यहां फ्यूचर में मैंने बताया था कि विल हैव आएगा, तो वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो वह तो क्या बोलेंगे, ही के साथ विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, तो खाने का काम क्या है, कंप्लीट है, कि मैंने कंप्लीट नहीं किया है, मतलब खाया ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो यहां पर मैंने खाना नहीं खाया है, आ है लास्ट में, तो आई हैव नॉट ईटन फूड, ठीक है। मैं सेंटेंस नहीं लिख चुका हूं, एक सेंटेंस को इसको समझो, मैं सेंटेंस नहीं लिख चुका हूं, और मैंने सेंटेंस नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, व्हाट इट। इन दोनों ही सेंटेंस को आप देखोगे ना, सेंटेंस के अंदर, इसके अंदर तो चुका है आ गया, साफ दिख रहा है प्रेजेंट है, और इसके अंदर आ गया लिखे हैं, ए हैं, ए हैं हमारे पहचान इसके प्रेजेंट की। लेकिन इनकी सेंस देखोगे, दोनों ही सेम सेंस है, मैं सेंटेंस नहीं लिख चुका हूं, मैंने नहीं लिखे हैं, और मैंने सेंटेंस नहीं लिखे हैं, तो मतलब दोनों ही सेम सेंटेंस हैं। तो दोनों ही सेम सेंटेंस क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट रिटन सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस नहीं लिखे थे, तो आई हैड नॉट रिटन सेंटेंसेस, और वह सेंटेंसेस नहीं लिख चुका होगा, तो वह को ही विल नॉट हैव रिटन द सेंटेंसेस, ओके। तो आगे हम करेंगे इनका नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करना है, हैज को आपको पहले लगा लेना, क्या वह आज नहीं आया है, तो हैज ही नॉट कम टुडे। क्या वह स्कूल नहीं गया था, तो क्या के लिए हैड को पहले लगा देंगे, हैड ही, क्या वह स्कूल गया था, पहले इंटरोगेटिव, क्या वह स्कूल गया था, तो हैड ही गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा चुका होगा, तो इसके लिए विल को पहले लगाएंगे, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, वही करना है जो आपने पास्ट पास्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस के इंटरोगेटिव नेगेटिव में किया, कि विल और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ क्या करना है, नोट लगा करके फर्स्ट में रख देना है। गॉट इट? यदि इस अभी भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय द टाइम बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड ऑल्सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।